Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am again in front of you with a new video lecture for class 9. This video lecture is all about state of matter. Students, in this universe, if you categorize everything, then you find two main categories. One is student energy and the other is matter. Student energy is used to produce a useful work done and is neither be created and nor be destroyed while student matter is any substance with a definite mass and volume. Student, universe में basically हमारे पास दो things present है, एक energy, दूसरा matter. Energy हमें work done के लिए required है and is neither be created, ना तो हम उसको create कर सकते हैं nor be destroyed, ना ही हम उसको destroy कर सकते हैं. Matter is the substance, is any substance with a definite mass and volume. उसका एक mass होगा और एक definite volume होगा, उसे हम matter कहेंगे. Now student, जो ये different matters हमारे चारों तरफ हैं, ये size, color, texture, physical property, chemical property, ये सब student सारे matter का differ करता है almost. There are three states of matter generally जो आप अभी 8th class तक पढ़ के आए हो, और मैं आपको यहाँ पे और state of matter, two new states of matter describe करूँगा. Student, जो states of matter है इसमें size, color, texture, ये हर substance का vary करता है. For example student, you can see एक चॉक होल्डर मेरे पास है, एक डस्टर मेरे पास है, दोनों का शेप जो है वो डिफरेंट है स्टूडेंट. तो इस तरीके से वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड अस, हमारे पास अलग अलग टाइप्स के मैटर है स्टूडेंट. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट मैटर इज मेड अप फ्रॉम पार्टिकल्स. स्टूडेंट, पार्टिकल्स से मैटर जो है वो क्रिएट हुआ है, बना है स्मॉल पार्टिकल्स से. एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं आपको एक देता हूँ कि लेट वी विल थिंक अबाउट दिस चॉक. अगर मैं इस चॉक को ब्रेक करना स्टार्ट करूँ स्टूडेंट, तो इतना ब्रेक हुआ, देन अगेन इट विल ब्रेक. स्टूडेंट लाइक दिस आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस चॉक इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस अनटिल एंड अनलेस द स्मॉलर वन आई कांट ब्रेक. तब तक मैं तोड़ता जाऊंगा जब तक मैं कि उसके इतना छोटा पीस बना दूं कि और ब्रेक ना कर पाऊं. राइट स्टूडेंट, तो बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल बनते चले जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स ब्रेक करते करते. सो जो हमारा कोई भी मैटर है वो किससे बना है, पार्टिकल से. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. स्टूडेंट नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम.
इन सब पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है. स्टूडेंट एक एग्जांपल, आई हैव एन एग्जांपल फॉर यू दैट वी हैव अ ग्लास बीकर इन विच वी हैव वाटर. स्टूडेंट वाटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, राइट स्टूडेंट. ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं. ओके स्टूडेंट, व्हेन आई एड अ टी स्पून फुल ऑफ सॉल्ट इन इट, आई एड सॉल्ट इन इट, मैंने इसमें सॉल्ट डाला. आफ्टर डिजोल्यूशन, डिजॉल्व करने के बाद जब मैंने इसमें सॉल्ट डिजॉल्व कर दिया, आई डिजॉल्व सॉल्ट वन टी स्पून फुल ऑफ सॉल्ट इन इट, इसमें मैंने जब सॉल्ट डाला तो सॉल्ट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इन वाटर डिजॉल्व सॉल्युबलाइज हो गए, राइट स्टूडेंट. एंड आफ्टर डिजोल्यूशन वी कांट सी इवन अ सिंगल पार्टिकल ऑफ सॉल्ट, खुलने के बाद हम नमक को नहीं देख पाएंगे, वी कांट सी इवन अ सिंगल पार्टिकल ऑफ सॉल्ट. द रीजन इज दैट द बिग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, द बिग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज वॉइड स्पेस बिटवीन देम. दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक वॉइड स्पेस था, एक खाली जगह थी, वॉइड स्पेस. दिस वॉइड स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्यूपाइड बाय सॉल्ट मॉलिक्यूल. जो छोटी सी खाली जगह बची थी जो हर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में थी, उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया सॉल्ट के मॉलिक्यूल ने. दैट इज़ द रीजन अब सॉल्ट का मॉलिक्यूल हमें दिखाई नहीं दे रहा. स्टूडेंट आपने असेंबली में भी देखा होगा, अगर दो बड़े बच्चे हैं और उन दो बड़े बच्चों के बीच में एक छोटा बच्चा खड़ा है तो वो छोटा बच्चा नज़र नहीं आएगा. देन वी सी दीज स्टूडेंट्स फ्रॉम फ्रंट साइड, अगर हम फ्रंट साइड से देखेंगे, यहाँ पे कोई खड़ा है उसको ये बीच का बच्चा नहीं विजिबल होगा. दैट इज़ द रीज़न, राइट स्टूडेंट. दीज आर टू properties. Now I am discussing the third property. Student, third property is particle of matter are continuously moving. Particle of matter are continuously moving, लगातार मूव कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट. इसका रीज़न, दिस इज अगेन अ ग्लास विद वाटर एंड आई एड अ लेमन विद सॉल्ट एंड शुगर इन इट. मैंने एक लेमन डाला, एक सॉल्ट डाला और एक टीस्पून शुगर का डाला. देन आई फाउंड आफ्टर डिजोल्यूशन दैट अ मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड विच इज़ होमोजीनस. व्हाट इज़ द मीन ऑफ होमोजीनस हेयर स्टूडेंट? ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर हम किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को एनालाइज करेंगे, वहाँ पर इक्वल कंपोजिशन हमें मिलेगी सॉल्ट की, शुगर की, लेमन की. ये जो लेमोनेड बनेगा हमारा, ये जो हमारा लेमोनेड बनेगा, ये हर तरह से होमोजीनस होगा. हर एक डिफरेंट पार्ट पर सेम कंसंट्रेशन सॉल्ट शुगर की यहाँ प्रेजेंट होगी, यानी कि इसका टेस्ट हर तरह से होमोजेनस होगा, सारी जगह से सेम लगेगा. ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पे आपको सॉल्ट ज़्यादा लगे और कहीं पे आपको शुगर ज़्यादा लगे, कहीं पे आपको लेमन ज़्यादा लगे. दैट इज़ नॉट दैट, राइट स्टूडेंट. एंड द थिंग, दिस इज आर थर्ड प्रॉपर्टी. स्टूडेंट द अदर टू प्रॉपर्टीज आर दैट पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. एंड दे आर वेरी मच स्मॉलेस्ट, और ये बहुत छोटे होते हैं, राइट स्टूडेंट. फोर्थ वन इज
पार्टिकल ऑफ मैटर इज स्मॉलेस्ट स्टूडेंट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इफ वी टेक अ पार्टिकल ऑफ चॉक एंड वी स्टार्ट ब्रेकिंग इट देन एट अ सर्टेन एज वी कांट इवन ब्रेक इट इंटू स्मॉलर पीसेस. हम उसको तोड़ते जाएंगे बट एक पोजिशन पर आके हम नहीं तोड़ पाएंगे, बट वो उससे भी ज़्यादा छोटी पोजिशन तक ब्रेक हो सकता है एट द स्टेज ऑफ मैटर, एट द स्टेज ऑफ एटम. मैटर एटम की स्टेज तक ब्रेक हम कर सकते हैं, राइट? किसी भी मैटर को. तो उसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम और मॉलिक्यूल, राइट स्टूडेंट? स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. स्टूडेंट, ये जितने भी पार्टिकल है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, दिस इज अ ह्यूमन चेन. ये एक चेन है. आपने बहुत बंदी चेन खेली है ना, आज ये भी खेलो. ये एक चेन है. इफ वन स्टूडेंट इज रनिंग अपोजिट टू दिस चेन, एक बच्चा इसके अपोजिटली रन कर रहा है और इस चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, देन व्हाट हैपन्स, दिस स्टूडेंट नीड टू ट्राई विद फोर्स मोर देन फोर्स बाय विच दे आर होल्डिंग हैंड. उसको इतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी ज़्यादा फोर्स से उन्होंने हाथ पकड़ा है, उससे ज़्यादा फोर्स से, ताकि उनका हाथ ब्रेक हो जाए, राइट स्टूडेंट? तो इससे ये पता चलता है, दैट कन्फर्म्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैज़ फोर्स बिटवीन देम. दे अट्रैक्ट ईच अदर. ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इनके बीच में एक फोर्स प्रेजेंट है, राइट स्टूडेंट? स्टूडेंट, दीज आर फाइव फिजिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन इज द पार्टिकल्स आर स्मॉलेस्ट. सेकेंड, द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. थर्ड, द पार्टिकल्स आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम. देन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली इन मूविंग. देन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. स्टूडेंट, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मेन थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. द मेन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड लिक्विड एंड गैस. स्टूडेंट, इफ यू सी the particles of solid, you find out that there is no intermolecular space between them, right student? no intermolecular space. दो molecule के बीच में जो space है वो बहुत कम है. दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है. एंड इन केस ऑफ लिक्विड, दे हैज़ सम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इनके पास कुछ स्पेस होगा. एंड दे हैव हाईएस्ट, इनका सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है. हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. दो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूरी है. यहाँ पे बहुत कम और यहाँ पे एकदम कम, राइट स्टूडेंट? स्टूडेंट, देन द नेक्स्ट मेन पॉइंट इज दैट दे हैव हाई
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इंटर मॉलिक्यूल्स हैं, इंटर पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, दे हैज लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड, एंड इन केस ऑफ गैस दे हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. स्टूडेंट दिस इज आर सेकेंड प्रॉपर्टी. स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी इज दे हैव डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम. इनका मास भी डेफिनेट है, डेफिनेट इनका वॉल्यूम भी है. स्टूडेंट इन लिक्विड दे हैव डेफिनेट मास बट नॉट डेफिनेट वॉल्यूम. स्टूडेंट इन केस ऑफ गैस नो डेफिनेट मास एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम. स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी मीन्स स्टूडेंट हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, प्रेस दबा सकते हैं किसी चीज़ को. स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट कंप्रेसिबिलिटी देन सॉलिड्स हैव नेगलिएबल कंप्रेसिबिलिटी. स्टूडेंट लिक्विड हैव सम कंप्रेसिबिलिटी एंड स्टूडेंट गैस हैज वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी. स्टूडेंट कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल. इफ डिस्टेंस इज हाई देन द स्टेट ऑफ मैटर बिकम्स हाईली कंप्रेसिबल. इफ डिस्टेंस इज लो देन इट बिकम्स लो कंप्रेसिबल. एंड इफ नेगलिएबल देर इज नेगलिएबल डिफरेंस देन इट इज नेगलिएबल कंप्रेसिबल. स्टूडेंट नेक्स्ट इज फ्लूडिटी. स्टूडेंट सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड. ये फ्लूइड नहीं है. लिक्विड्स आर फ्लूइड. फ्लूइड मीन्स स्टूडेंट दे फ्लू, ये बहते हैं, राइट. दे आर फ्लू एंड गैसेज आर ऑल्सो फ्लूइड. गैसेज भी फ्लूइड करती हैं. स्टूडेंट वन प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन. गैसेज ईजिली डिफ्यूज. गैसेज डिफ्यूज कर जाती हैं, दे डिफ्यूज. लिक्विड ऑल्सो डिफ्यूज. लिक्विड भी डिफ्यूज करते हैं, बट द सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज. सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज, राइट. स्टूडेंट दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. नोट इट डाउन स्टूडेंट. एंड आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू दैम दैट द इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर वेरी मच negligible in solid, is little bit more in liquid and very much high in gases. Intermolecular distances, interparticle force is highest in solid, interparticle force is low, interparticle force is least. Then definite mass is definite, but mass is not definite in case of gas. volume is not definite. volume change karta hai, chahe aap kisi bhi beaker mein dalo, volume change karega. गैस में भी वॉल्यूम इज नॉट डेफिनेट. इन केस ऑफ सॉलिड दे हैव नेगलिएबल कंप्रेसिबिलिटी. आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते लिक्विड को. दे हैज कंप्रेसिबिलिटी. इनकी कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी सी होती है एट अ लिटल एक्सटेंट. गैसेस की वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, आप बहुत हाईली कंप्रेस कर सकते हो. फ्लूइड, ये फ्लूइड नहीं होते, दे हैव नो फ्लूइड. डिफ्यूजिबिलिटी भी नहीं होती, दे आर फ्लूइड, दे आर डिफ्यूजिबल, राइट. स्टूडेंट नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट प्लाज्मा एंड Bose-Einstein condensate. Student, there are two other state of matter, plasma and Bose-Einstein condensate. Student, plasma is created at
एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ही प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो रिपोर्टेड है, और इट इज़ रिपोर्टेड एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, राइट स्टूडेंट? इट इज़ गैसियस, गैसियस आयंस एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गैस के आयंस होते हैं, राइट? एंड स्टूडेंट, इट इज़ गैस अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हेयर टेम्परेचर इज माइनस 273 केल्विन, विच इज अ वेरी लो टेम्परेचर, ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर. स्टूडेंट, द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा वेयर वी विल रिपोर्ट द प्लाज्मा आर बल्ब, टीवी, स्टार्स, द एवरीवेयर वेयर हाई टेम्परेचर इज रिपोर्टेड वी रिपोर्ट द प्लाज्मा, राइट? एंड इन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वी रिपोर्ट दिस एट वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस. अब स्टूडेंट हम इंटर कन्वर्जन देखेंगे थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की. ये जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है स्टूडेंट्स, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती है, कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट. सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, एंड लिक्विड स्टेट कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट, राइट स्टूडेंट? इसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट, वापस उल्टा अगेन गैस को भी लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, और लिक्विड को भी अगेन उल्टा सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है. स्टूडेंट, दिस कैन बी डन, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा के किया जाता है. एंड स्टूडेंट, दिस कैन बी डन, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड इनटू सॉलिड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, इसको प्रेशर को इंक्रीज करके किया जाता है. स्टूडेंट, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, एंड लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस नोन एज बॉइलिंग, देन गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड नोन एज कंडेंसेशन, एंड लिक्विड कन्वर्टेड टू सॉलिड नोन एज इवेपोरेशन, freezing, right students? Students, now I am going to provide you definition of melting point and boiling point, what are this, and then latent heat of fusion, right students? Student, what are boiling point and what are melting point? We have to know this, right? Boiling point, it is the temperature at which liquid start boiling at room temperature. This temperature is known as boiling point. Boiling point of water is 100 degree Celsius or 373 Kelvin. Student, next is melting point. The temperature at
विच सॉलिड मेल्ट्स टू कन्वर्ट इन लिक्विड टू कन्वर्ट्स इन लिक्विड इज दिस टेम्परेचर इज कन्वर्ट इन लिक्विड दिस टेम्परेचर इज melting point and student melting point of solid is 0 degree celsius or 273 kelvin right student now we will discuss what is latent heat of fusion and what is fusion student change in any state of matter is known as fusion for example change of solid into liquid राइट इज नोन एज फ्यूजन सॉलिड का लिक्विड में बदलना फ्यूजन कहलाता है राइट और हमें पता है हमने डिस्कस कर लिया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं नाउ स्टूडेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज लेटेंट हीट राइट लेटेंट हीट स्टूडेंट आई हैव आइस इन अ बीकर मेरे पास एक बीकर में आइस है आइस आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर बट द आइस मेल्ट्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर आइस को मेल्ट होने में इट टेक्स टाइम थोड़ा टाइम लगेगा और टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा ज़्यादा It takes time and we have to create a high temperature to convert ice into water. Right, student? The time taken by ice to convert into water, उस time के दौरान इसमें temperature में कोई change नहीं आएगा पहले भी ये 0 degree Celsius था अभी भी ये 0 degree Celsius ही रहेगा There is no change in temperature. Then मैंने आपको बोला कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो टेम्परेचर हम एज अ हीट देख सकते हैं हम नोटिस कर सकते हैं राइट पर हम यहाँ पर नोटिस नहीं कर पा रहे हमने हीट दी पर ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है बट स्टिल टेम्परेचर इज 0 degree सेल्सियस अप टू अ सर्टेन टाइम एक टाइम तक वो पानी ठंडा ही रहेगा 0 degree सेल्सियस पर ही रहेगा द हीट विच कन्वर्ट दिस आइस इंटू वाटर and temperature still not rises this heat is known as latent heat wo chupi hui heat jo sirf ice se water mein convert hui hai that is known as latent heat use latent heat kehte hain right student latent heat is heat which is utilized between the change in state and increase in temperature जब तक temperature increase ना हो तब तक state change करने में जो heat दी जाएगी वो latent heat होगी okay students now students we are going to discuss Another concept that is evaporation student मैंने आपको बताया कि boiling point और boiling करने के लिए जब भी मैं boil करूँगा for boiling I need to increase the temperature and I have to provide boiling temperature so that it becomes the liquid becomes boil हमारे पास liquid है boiling point दिया मैंने तो ये boil करना start हो गया राइट स्टूडेंट बट इवेपोरेशन इन केस ऑफ इवेपोरेशन में भी स्टूडेंट एक लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म लिक्विड गैस में ही कन्वर्ट होगा जैसे कि लिक्विड बॉइलिंग के टाइम पे भी गैस में कन्वर्ट होता है लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैस ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑल्सो बट दिस विल occur at the temperature below boiling point हमें boiling point से कम temperature provide करना पड़ेगा
इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं, राइट स्टूडेंट। व्हेन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसेस फॉर्म, दैट इज वेपर फॉर्म, एट द टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, देन दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन, राइट स्टूडेंट। बिलो बॉइलिंग पॉइंट इफ लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर टेक्स प्लेस then this is evaporation, right student? Student, next topic is the factors which affect the evaporation को कौन कौन से factors affect करेंगे जिनकी वजह से evaporation या तो increase हो जाएगा या decrease हो जाएगा। Student, first factor is increase in टेम्परेचर। जैसे जैसे स्टूडेंट टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हीट वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। टेम्परेचर प्रोवाइड हीट एंड हीट कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर प्रोवाइड हीट एनर्जी एंड हीट कन्वर्ट इन काइनेटिक एनर्जी से जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड में, मॉलिक्यूल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट करेंगे एंड दिस विल ब्रेक डाउन द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स और लिक्विड बिकम्स फ्री एंड दे स्टार्ट इवेपोरेटिंग। और क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, वेपराइज हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा हीट मिलेगी, मोर हीट एनर्जी विल गिव्स टू द लिक्विड, देन द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिक्विड गॉट द काइनेटिक एनर्जी एंड हाई काइनेटिक एनर्जी लीड्स टू मॉलिक्यूल्स इन वाइब्रेशन फॉर्म। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स ब्रेकडाउन, वो ब्रेक हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से वेपराइज हो जाएंगे हमारे मॉलिक्यूल्स वाटर के। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। देन स्टूडेंट इंक्रीज इन सरफेस एरिया। स्टूडेंट इफ आई हैव वाटर इन अ स्मॉल फ्लास्क, छोटी सी फ्लास्क में मेरे पास थोड़ा सा पानी है, एंड आई हैव सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ प्लेट ऑल्सो, एक प्लेट में है, प्लेट बहुत बड़ी होती है स्टूडेंट, उसमें है वाटर इन अ प्लेट, देन द वाटर ऑफ प्लेट फर्स्ट वेपराइज अर्ली एज कम्पेयर टू द वाटर इन फ्लास्क। ये वाला पानी मेरा पहले वेपराइज होगा, द रीज़न इज दैट इट हैज़ मोर सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, दैट इज़ द रीज़न कि ये जल्दी वेपराइज होगा, क्योंकि ज़्यादा हीट एनर्जी एक्सपोज होगी और ज़्यादा उसको हीट एनर्जी एक्सपोज होने से मॉलिक्यूल्स वेपराइज करेंगे, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे। दो फैक्टर्स हो गए स्टूडेंट। देन थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। स्टूडेंट एज यू नो ह्यूमिडिटी इज वेपर्स प्रेजेंट इन एटमोसफेयर। अगर स्टूडेंट एटमोसफेयर इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद वेपर्स, अगर पहले से ही वहाँ पे वेपर हैं, देन द एटमोसफेयर डजेंट एक्सेप्ट एनी मोर वेपर्स, राइट, वेपर्स प्रेजेंट इन एटमोसफेयर। स्टूडेंट दिस विल डिक्रीजेज द वेपराइजेशन प्रोसेस को कम कर देगा, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी
उतना वेपराइजेशन हमारा कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स फोर्थ फैक्टर इज एयर और विंड स्पीड। विंड स्पीड स्टूडेंट, एज वी इंक्रीज द विंड स्पीड द मोर ह्यूमिड, मोर ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर और एयर सैचुरेटेड विद वाटर वेपर मूव्स अवे, मूव्स अवे, है ना। सो वी आर एबल टू अगेन वेपराइज जो एनवायरनमेंट में जितनी भी ह्यूमिड एयर है वो सारी की सारी इंटरमिक्स हो जाएगी अगर विंड स्पीड से, तो उस एयर को अगेन सैचुरेट करने में हमें इजीली वेपराइज हम कर पाएंगे और वेपराइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। राइट स्टूडेंट, सो स्टूडेंट दीज आर फोर मेजर फैक्टर्स। नाउ स्टूडेंट्स सम फिनोमिना विच आर बेस्ड ऑन वेपराइजेशन, सम फिनोमिना दीज आर एज यू नो स्टूडेंट हीटिंग प्रोवाइड कूलिंग, हीटिंग प्रोवाइड वेपराइजेशन एंड ऑल्सो कॉज कूलिंग। स्टूडेंट वेपराइजेशन जब होगा तो उसके बाद कूलिंग आएगी, राइट। ये हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, इन केस ऑफ ट्रांसपिरेशन, राइट स्टूडेंट, इन केस ऑफ स्वेटिंग जिसको हम परस्पिरेशन भी कहते हैं, राइट स्टूडेंट, जो हमारी बॉडी से जब स्वेट बाहर प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। एंड स्टूडेंट इन केस ऑफ एसीटोन इन आर हैंड स्टूडेंट इन केस ऑफ अर्दन पॉट मिट्टी का जो घड़ा जिसमें हम पहले पानी पीते थे, राइट स्टूडेंट, ये सब वो फिनोमेना है जो एक्सप्लेन करता है कि जो वेपराइजेशन है उससे कूलिंग आती है। स्टूडेंट जब प्लांट्स ट्रांसपायर करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, नीचे से ग्राउंड वाटर को बाय रूट पुल आउट करते हैं, पुल आउट करने के बाद उसको बाय स्टोमाटा जब एनवायरनमेंट में प्लांट जो है वो ट्रांसपायर कर देते हैं। ट्रांसपायर करने के बाद स्टूडेंट क्या होता है कि जो कूलिंग है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उस हीट को जो नीचे प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो टेम्परेचर होता है वो कूल डाउन हो जाता है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके वेपराइज हो जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट लाइक दिस हमारी बॉडी में भी जब हम कॉटन ग्लोव्स को वियर करते हैं तो कॉटन ग्लोव्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्वेट को, और स्वेट जब इवेपोरेट करता है, इवेपोरेट होने की वजह से वो कूल डाउन कर देता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, राइट स्टूडेंट। सो ये सारे के सारे नेचुरल कुछ प्रोसेसेस हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक छोटा सा और एग्जांपल है जिसमें कि आप इवेपोरेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। स्टूडेंट दिस एग्जांपल इज द ग्लास टम्बलर। स्टूडेंट यू सी दैट इफ यू हैड अ कोल्ड वाटर इनसाइड अ ग्लास टम्बलर देन यू फाइंड आउट स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स आउटसाइड द ग्लास टम्बलर। स्टूडेंट दैट इज नथिंग, दे आर वाटर वेपर ऑफ एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में जितने भी वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होके उस ग्लास टम्बलर के ऊपर रिसाइड करते हैं और हमें दिखाई देते हैं एज वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट स्टूडेंट। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट आर क्लास 9th। स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ support me in this journey and I need your support, right students, and share this video as much as you can with your friends circle. Best of luck.